अगर आपको पता चले अभिनव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ही जो इस पूरे प्रसंग पर लगातार इलाहाबाद से रिपोर्टिंग कर रहे थे। अभिनव आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वही इलाहाबाद जहां पर अतीक अहमद का राजनीतिक आर्थिक और आतंक का साम्राज्य था। आपने वकीलों से बात की, भुक्तभोगियों से बात की, क्या बताना चाहेंगे आप नेता नगरी के दर्शकों को? देखिए दो तरह की चर्चा थी। जब मैं इस घटना के बाद प्रयागराज पहुंचता हूं इलाहाबाद, तो शहर जो है वो डिवाइड है पटरी के इस पार और पटरी के उस पार, रेलवे लाइन गुजरती है। तो रेलवे लाइन के उस तरफ चकिया, कसारी मसारी, करैली, ये सब इलाके पड़ते हैं और इस तरफ सिविल लाइंस और तमाम बाकी इलाके पड़ते हैं। तो उधर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पे थोड़ा सा मुझे तनावपूर्ण शांति नजर आई, लोगों में रोष था। चूंकि आप उस इलाके में किसी से बात करेंगे तो अतीक अहमद को कोई माफिया अतीक अहमद नहीं कहता, सब कहेंगे सांसद जी ने ऐसा, सांसद जी को मार दिया, सांसद जी को ये कर दिया। अशरफ को सब विधायक जी बोलते हैं, अशरफ को अशरफ नहीं बोलते कोई, क्योंकि वो जो आप जब जिस तंत्र की बात हो रही थी ना कि किसी का काम करा देना, किसी का कुछ शादी ब्याह में मदद कर देना, तो उस तरीके से। और एक समाज जो गद्दी समाज है, जो ग्वाला कहा जाता है, मुस्लिमों में जो ग्वाला वाले होते हैं वो गद्दी होते हैं, तो गद्दी समाज का एक बड़ा बैकअप अतीक और अशरफ को लेकर के था। और दूसरा जो पटरी के इस पार का है वो खुश है, वो एकदम से उसको जश्न, लोग जैसे कुछ जो रैशनल लोग भी हैं वो ये कह रहे हैं कि यार हुआ तो गलत है लेकिन सही आदमी के साथ हुआ है, मतलब कि मार दिया अच्छा किया लेकिन इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था। तो एक संतुष्टि का भाव है। बाकी जो एक लार्जली स्केल है जो आपको बताऊं उसमें जश्न का भाव है कि नहीं अच्छा हुआ मार दिया, जिसको प्रताड़ित किया था अतीक ने वो भी खुश है और जिनको नहीं भी किया था तो वो जो वर्ग का विभेद है उसकी वजह से खुश है। आप अतीक अहमद का पॉलिटिकल और क्रिमिनल बैकग्राउंड निकाल के देखेंगे तो अतीक अहमद ने जितनी भी हत्याएं की उसमें राजू पाल उसका पहला ऐसा मर्डर था जिसमें किसी हिंदू को मारा गया। उसने अब तक जितनी किलिंग्स की थी वो उसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम ही थे। राजू पाल और उमेश पाल को अगर आप छोड़ दीजिए तो जो इसका पहला किलिंग है वो चांद बाबा का है। चांद बाबा माफिया हुआ करते थे, विधायक होते थे इसी इलाके से, उसको मार करके अतीक ने अपनी सत्ता स्थापित की। अभिनव चांद बाबा माफिया थे, विधायकी का चुनाव लड़े थे, विधायक थे, पार्षद थे। तो उसके बाद जब चांद बाबा को मार दिया तो चांद बाबा के गुर्गे छम्मन मियां, जग्गा, ये सब लोग भाग गए। ये सब 90s की बातें हैं। फिर जब छम्मन मियां वहां से मुंबई से गायब हो गए, 12 दिन बाद उसी कसारी मसारी के जंगल में छम्मन मियां की लाश मिली और उसपे कम से कम नहीं तो 400-500 कोड़ों के निशान थे। जग्गा जो चांद बाबा का था उसको तो बताते हैं लोग कि खुद ये जाकर के ट्रेन में बैठा के लाया था और वहां पर किसी मौलवी के थ्रू सुलह कराई थी कि नहीं कुछ करेंगे नहीं, कुछ मारेंगे नहीं, कुछ तुमको करेंगे नहीं, चलो वहां तुम्हारी इज्जत तुमको वापस लौटा देंगे। तो जग्गा के तो छोटे छोटे टुकड़े मिले थे कसारी मसारी के जंगल में। तो इस तरीके से लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप जो मेरे पास लिस्ट भी है जो उसके खिलाफ गवाहों की लिस्ट है जो प्रताड़ित है, उसमें मोहम्मद जैद है, खालिद है, जिशान है और एक महिला है कोई बानो करके। तो इस तरीके से जो 12-15 लोगों की लिस्ट है उसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी घटना आप देखेंगे तो हिंदू वर्सेज मुस्लिम की बाइनरी में बट गई है और इस तरीके से बात हो रही है कि जो इधर का पक्ष है वो दुखी है, जो उधर का पक्ष है वो खुश है। दूसरी चीज जो आप शह और वर्दहस्त की बात कर रहे थे, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे अभी सारा लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को बहुत शह दी, ये बात एकदम सत्य है कि मुलायम सिंह यादव के राज में अतीक अहमद का जलजला हुआ करता था, उसी के राज में सांसद बना और विधायक भी रहा उनकी पार्टी से और भी तमाम एम्पायर। लेकिन उसको आप शुरुआती चक्र में जाएंगे तो लोग वहां के बताते हैं कि केसरीनाथ त्रिपाठी शहर दक्षिणी के थे, उनका भी शहर था, वो भी जो है तो वो नहीं है, उनका नाम खैर लेना उतना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो वकीलों की टीम खड़ी है, गोपाल चतुर्वेदी, डीपी मिश्रा, विजय मिश्रा, ये अतीक के बहुत बड़े वकीलों की टीम है, ये सब टीम वहीं से खड़ी की गई है। उसके बाद इनके संबंध कैबिनेट मंत्री से भी बताए जाते हैं, इनके संबंध उदय भान और करवरिया और करवरिया परिवार से बताए जाते हैं। तो इस तरह की तमाम लोगों का, अतीक कोई इंसान नहीं था, अतीक पूरा सिस्टम था, पूरा नेक्सस था। और अगर कायदे से अतीक की संपत्तियों की जांच होगी तो वो 1000-2000 नहीं तो कम से कम 10,000 करोड़ की संपत्ति है। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उनको प्रॉफिट हुआ है जो बेनामी वाले हैं,
भाई अतीक मार दिया गया, अतीक ने अपने किसी गुर्गे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लिखवा रखी थी, अब वो दाब जाएगा, तो ये एक संभावना है। दूसरी संभावना, दूसरी चीज ये कि अतीक की पत्नी जो शाइस्ता है, जब अतीक जेल में होता था तो शाइस्ता पूरा गैंग सब कुछ रन करती थी, तो शाइस्ता को पूरी जानकारी है कि कहाँ कितना किसका पैसा लगा हुआ है उससे। और ये पैसा जो है सिर्फ जो काला पैसा नहीं है, सफेद पोशों के रास्ते लगा हुआ है। जिस दिन असद का एनकाउंटर हुआ है उससे दो दिन तक प्रयागराज में बड़ी छापेमारी चली है, जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो डबल अटैक हुआ है। इधर ईडी और सीबीआई ने भी चार्ज किया है, ईडी ने तमाम बड़े व्यापारियों को जो है सर्च किया, जांच की। लोग बता रहे थे कि एक बिजनेसमैन है बड़े, संजीव अग्रवाल, विनायक सिटी सेंटर जो प्रयागराज का सबसे बड़ा मॉल है उसके मालिक है, उनके पास बड़ी बरामदगी की है, और उसका जो है ये एक सर्कल है कि उसको इनडायरेक्ट तरीके से उसमें अतीक के पैसे लगे हुए थे। तो इन सब पे अभी जो है नकेल कसी जा रही। तो पहले इसका पैसे का ब्लॉकचेन बंद किया गया कि भाई भाग रहे हैं ये लोग, भाग रहे हैं कैसे भागेंगे, भागेंगे तभी जब पैसा होगा, तो पहले पैसे के उसको ब्लॉक किया गया। दूसरा देखिए, जो मोहम्मद मुस्लिम जिसका ऑडियो आया, असद जिसको धमकी दे रहा है कि चचा ठीक नहीं किए, घर पे आए थे दरवाजा नहीं खोले, चलिए उमर से मिलिए, उमर इसका बड़ा बेटा है, तो मोहम्मद मुस्लिम के ऊपर आरोप है कि उसने पैसा दिए 80 लाख रुपए बाद में दिए, उसी से सब कांड वांड हुआ। तो मोहम्मद मुस्लिम इस समय फरारी चल रही है, उनका ऑडियो वायरल है और फरार है वो, तो इस तरीके से वो सफेद पोश लोग भी जुड़े हुए थे। दूसरी चीज ये कि लोगों में जो उत्तर पटरी के हैं अभी भी दहशत है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। मैं अतीक अहमद के घर में गया और जो उसका कार्यालय चकिया पे था, उस पूरे कार्यालय का अंदर से दिखाया कैसा है, वो पूरा एकदम महल टाइप से बाहर से गिरा दिया गया है जितना अवैध था, तो लोगों को लगता है कि मिट्टी में मिल गया, अंदर उसका 4 गुना ज्यादा बड़ा है। अंदर आप देखेंगे तो आपको पॉलिटिकल मजबूती के सारे साक्ष्य मिलेंगे, कौन सी पार्टी नहीं थी, सपा बसपा अपना दल सब पार्टी से था वो, और जिनमें नहीं था कांग्रेस के सांसद थे सलीम शेरवानी, उनका नाम आता ही है, बाकी बीजेपी के जो लोकल लीडर है उनका नाम आता ही है। तो अब वो इतना बड़ा तंत्र हो गया था, तो माफिया नेता भी तो सब उससे डरते थे। अभी आप देखिए जब ये उमेश पाल मर्डर केस हो गया, कोई बीजेपी का बड़ा नेता बताइए जो प्रयागराज के आसपास का हो और वो खुल के जो है अतीक का नाम लेकर के बोल रहा, नहीं बोल रहे थे, सब लोग तो दहशत में आ गए थे कि जो आम बोलचाल की भाषा में चर्चा थी, भाई बाबा राज में मार दिया तो मतलब कि कुछ भी कर सकता है ये आदमी। तो जो बीजेपी के नेता भी थे आसपास के, तमाम बड़े नेता जो कौसाम्बी तक हैं, वो सब भी नहीं बोल रहे थे। जब असद का एनकाउंटर शुरू हो गया तब जाके इन्होंने बधाइयां देना शुरू किया, बधाई गीत गाने शुरू किए, उससे पहले तक अतीक के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा था। और आज भी जो उधर मुस्लिम इलाका है, जैसे मैंने एक दो गवाहों से बातचीत करने की कोशिश की, तो वो जो इलाहाबादी टोन में बोले हैं तो वो बोले कि भैया उसके 4 लौंडे अभी जिंदा है, तो इतना तक है उसका अभी भी खौफ। शुक्रिया अभिनव, बहुत इंसाइटफुल और रॉ आपकी कमेंट्री रही।